उपायुक्त मंडी ऋत्विक ठाकुर ने बैंकों से स्वरोजगार गतिविधियों के लिए उदारता पूर्वक लोन देने को कहा है। साथ ही उन्होंने बैंक अधिकारियों से लोगों के पास जाकर उन्हें लोन लेकर अपना काम धंधा शुरू करने को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने खासकर प्राथमिकता क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने को कहा। वे DRDA सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अपने प्रभावी कदम उठाए हैं। इनमें से अधिकतर बैंकों के ऋण वितरण से जुड़े हैं। बैंकों से लोन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। कहा कि आसानी से लोन मिलने पर बड़ी संख्या में लोग अपना काम धंधा लगाने के लिए प्रेरित होंगे, इससे बड़ी संख्या में रोजगार के मौके बनेंगे। उन्होंने आग्रह किया कि बैंक सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोगी बने। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संकट का यह समय मुश्किल जरूर है, पर इसे अवसर में बदला जा सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करते हुए ये संभव है। बहुत से लोग एक दूसरे राज्य से काम छोड़कर अपने अपने घर लौटे हैं। उन्हें संसाधन व रोजगार के अवसर मुहैया करवाने में बैंकों से सहयोग की अपेक्षा है, ताकि वे किसानी, बागवानी एवं सहायक गतिविधियों को रोजगार के तौर पर अपनाने को आगे आएं, अपना काम धंधा शुरू कर सकें। ऋत्विक ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रेड़ी फड़ी बालों को 10,000 रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसे उन्हें एक साल में किश्तों में लौटाना है। इस पर 7% सब्सिडी दी जा रही है। लोन समय पर लौटाने वालों को क्रेडिट इंसेंटिव दिया जाएगा। पहले चरण में जिला के 7 शहरी निकायों में पंजीकृत रेड़ी फड़ी बालों को सहायता दी जाएगी और फिर नए रेड़ी फड़ी बालों को मदद दी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि मंडी जिला में कोरोना के चलते बंद की गई सभी औद्योगिक इकाइयों ने अपना काम पुनः शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि जिला में कुल 3,392 औद्योगिक इकाइयां हैं। कोरोना के अनलॉक पीरियड में जिला में सभी इकाइयां अपना काम सुचारू रूप से कर रही हैं। बैठक में संस्थान के निदेशक ने अवगत करवाया कि संस्थान ने दिसंबर 2019 से मार्च 2020 की तिमाही में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 303 लाभार्थियों को स्वरोजगार लगाने का प्रशिक्षण दिया है। इसमें मशरूम की खेती, जूट उत्पाद उद्यमी सहित पापड़, अचार, सॉफ्ट टॉय बनाने इत्यादि प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। उपायुक्त ने प्रशिक्षण के उपरांत लोगों के अपने काम धंधे शुरू करने और सफलता की प्रतिशतता पर ध्यान देने को कहा। और आप सभी जानते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण बैठक है और धीरे धीरे से जैसे हम COVID-19 की स्थिति से मतलब वी आर लर्निंग टू लिव विद द वायरस, तो हम धीरे धीरे से ऐसी कुछ चीजें चल रहे हैं। बैठक में भी हम व्यवस्था बना के इसको बैठक कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें अभी आवश्यक हो गई है। आप लोगों का मैं समझता हूँ कि इस पूरे पीरियड में बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था का है। जहां कोरोना वायरस के चक्कर में जो लॉकडाउन पूरे देश में इम्प्लीमेंट हुआ था, उस वजह से काफी इम्पैक्ट हमारे पूरी इकोनॉमी को हुआ है, और उसको रिवाइव करने के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा जितनी स्कीम्स की है या कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो सभी मैं समझता हूँ काफी इनिशिएटिव्स जो है आपसे जुड़े हुए हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिस्पर्समेंट। और ये मीटिंग एक हमारी ये फोरम रहती है कि जहां पर बीच में हमने आपका जो क्रेडिट प्लान है वो भी लॉन्च किया था और स्कोप भी हम देख रहे हैं। प्लस आज के दिन में सरकार भी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे हम लोगों को एनकरेज करें कि वो लोन उठाएं, कुछ इन्वेस्ट करें। दूसरा चैलेंज भी आज के दिन में ये हो गया है कि बहुत से लोग हमारे जो बाहर के राज्यों में थे वो हमारे राज्य में आए, ऐसी स्थिति में अब वो यहाँ पर किस प्रकार से एंगेज हो पाएंगे, क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे कि जो इंडस्ट्री अभी रिवाइव होने में टाइम लग जाएगा, विशेषकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर हम दूसरे संसाधन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हम सबके लिए एक चैलेंज है और मैं समझता हूँ कि आप लोगों का, बैंकर साथियों का इसमें अहम रोल है। डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोट इसको किया जाए और आप लोगों के सहयोग से आई एम श्योर कि हम इसमें आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे।